तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे। सो ये एयरपोर्ट जा रहे हैं किसी स्पेशल मेंबर को पिक करने के लिए, और पीछे से आपको लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। थोड़ा दूर रखो भाई, मेरा पूरा फेस कवर कर। तो हाँ तो गाइस, हम लोग ना एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर हमारा मेन काम जो है वो है पार्किंग ढूंढना, क्योंकि हमें तो पता नहीं फ्लाइट डिले भी हो सकती है या फिर जल्दी अराइव भी हो चुके हैं। अगर जल्दी अराइव हो चुके हैं तो हम लोग उनको वहीं से ही पिक करके चले जाते, पर डिले भी हो सकती है ना फ्लाइट पर। एक्चुअली डिले हो गई थी, और अभी हमें यहाँ पर पार्किंग भी मिल चुकी है, और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले। तो गाइस, मुझे पता नहीं कि हम लोग लेट हो गए या फिर जल्दी आ गए, क्योंकि फ्लाइट लैंडिंग जो थी वो 9 o'clock को थी। अरे तो गाइस, मेरे को पता नहीं है कि हम लोग लेट हो गए या फिर जल्दी आ गए। जो फ्लाइट की लैंडिंग थी उससे हम लोग 21 मिनट्स बाद में आए। तो गाइस, एक्चुअली ना वो पहले मस्कत में रहते थे, फिर वहाँ से वो इंडिया गए, और इंडिया से वो फिर सऊदी आ गए। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जब हमें पता चला कि वो सऊदी आ रहे हैं। मतलब जब मस्कत से निकले थे तो प्लान करके ही निकले थे कि सऊदी आना है। तो हाँ, साथ तो सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके फेवरेट मामा जो आ रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे मॉम के बस एक ही भाई हैं, पर उनके बहुत सारे कज़िन ब्रदर्स भी हैं, तो हम उन्हें भी मामा ही बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। एक्चुअली ना फ्लाइट जो है 20 मिनट डिले हो गया। एक्चुअली उसे मतलब पहले आ जाना चाहिए था, और इसका मतलब हम लोग सही टाइम पे आए। बिकॉज एयरपोर्ट जो है ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्साइटमेंट से आप भरे रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं यहाँ से कहीं और कंट्री जैसे इंडिया जा रहे हैं, तो तभी भी एक्साइटमेंट रहते हैं, और जब किसी को पिक कर रहे हैं तभी भी एक्साइटमेंट ही रहते हैं। सो हाँ, मेरे बात को समझ। हम लोग अलबेग से लेने वाले हैं नगेट्स और एक बूस्ट। हाँ सुनो, लेने वाले हैं अलबेग। आई एम कमिंग फॉर यू गाइस। फ्लाइट तो डिले हो गई थी, पर हमारे जो पैसेंजर थे हमारे मामा, उनको भी आने में थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली उनको उनका लगेज नहीं मिल रहा था, पर जब तो वेट कर करके हमारे जो है एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो चुकी थी। पर जब वो आ गए तो एक्साइटमेंट फिर से शुरू हो गई, और जब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है तो वीडियो निकालने का शौक भी ख़त्म हो जाता है। तो हमने बाद में ज़्यादा शूट नहीं किया, पर जितना शूट किया आप वो देख सकते हैं। और भाई साथ तो भाग भाग के जा रहा है, और आहिल और मैं अभी भाग के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग एक्साइटेड हैं भाई। बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं ना उनको। पहले तो जब हम इंडिया जाते तब वो मस्कत में रहते हैं, और जब हम सऊदी आते हैं तब तो रहते हैं, तब तो वो इंडिया जाते या फिर मस्कत में थे। पर हम उनके शादी में भी गए थे, आपको पता होगा। तो उसके बाद हम अब देख रहे हैं उनको 1 साल के बाद।
तो अगर जैसे आहिल ने बोला था कि उसे अलबेक खाना है, तो हमने हमारे प्यारे मामा जान को अलबेक का ही पार्टी दे दिया और उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और मैं हूँ अरफान।